सामने आई तो हर किसी भारतीय को यह पता चल गया कि भारतीय टीम इस मुकाबले को हारी नहीं है, बल्कि बेईमानी के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मुकाबले को जीत लिया। रोहित शर्मा नॉट आउट थे और अंपायर ने लबुशेर को आउट न देकर जिस तरह की बेईमानी करी है, अब हर किसी का गुस्सा फूट रहा है। लेकिन क्या मुकाबला वास्तव में दोबारा होने वाला है, इसको लेकर अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और खरी खोटी सुनाते हुए ऑस्ट्रेलिया को फटकार तो लगाई, लेकिन अब ऐसे में योगी ने मुकाबले को दोबारा करने पर भी होश उड़ा देने वाला बयान दिया है। तो चलिए बताते हैं पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि भारत के साथ बेईमानी हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जब से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारतीय टीम के हाथ से गई है, हर एक भारतीय का गुस्सा जमकर फूट रहा है। लेकिन जब इंटरनेट पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की बेईमानी सामने आई तो सभी के होश उड़ गए। रोहित शर्मा नॉट आउट, द रेड ने उनका कैच पकड़ते समय छोड़ दिया था और गेंद जमीन पर लग रही थी तो अंपायर ने ऑस्ट्रेलिया की टीम का साथ भी दिया। उन्होंने जब भी बेईमानी करी जब भारतीय गेंदबाजों को विकेट की सख्त जरूरत थी। हालांकि लबुशेन LBW आउट थे लेकिन उन्हें आउट नहीं दिया गया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और अंपायर की चोरी जब सामने आई तो काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया। भारतीयों ने कहा कि यह मुकाबला भारतीय टीम हारी नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बेईमानी से जीती है। इस बीच योगी का भयंकर गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया और अंपायर की घटिया हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्रिकेट के नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा भारतीय टीम हारी नहीं है बल्कि बेईमानी करके ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खिताब को अपने नाम कर लिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि BCCI की ICC के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा इस मुकाबले को दोबारा कराया जाए क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों को यह उम्मीद है कि हमारी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम चोरी करके विजेता बन जाए। इस